सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होने वाली है अब अभिमन्यु और देव की एंट्री यानी कि अभीर की एंट्री। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स कुछ ऐसे ही होने वाले हैं जहां एक तरफ अब मनीष को तो अभीरा का सच पता चल चुका है, उसे पता चल गया है कि ये तो अक्षरा की ही बेटी है, जिसके बाद अब वो उसे अपने साथ गोइंका हाउस लेकर आ जाता है। यहां बहुत ही क्यूट मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो वहीं अब जो अभिमन्यु है वो अभीर को यानी कि देव को लेकर पहुंचता है अब गोइंका हाउस अब मनीष से मिलवाने के लिए, जहां पर मनीष जैसे अभिमन्यु को देखते हैं वो उसे गले से लगा लेते हैं और यहां पर वो देव को देखकर शॉक रहते हैं कि ये कौन है। तभी यहां पर अभिमन्यु बताने वाला है कि ये अभीर है, अपना अभीर, जिसके बाद अब मनीष उसे भी गले लगाएंगे और यहां पर बहुत ही क्यूट मोमेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर अभीरा भी होगी, अभीरा ये सब देखकर थोड़ी सी शॉक्ड होगी और वो कहेगी अभीर, मेरा नाम अभीरा और इनका नाम अभीर, ये कैसा कोइंसिडेंस है। जिसके बाद अब मनीष बताते हैं कि ये तुम्हारी अक्षरा मम्मा का ही बेटा है, ये तुम्हारा भाई है, जिसे देखने के बाद अब बहुत ही इमोशनल सी हो जाती है यहाँ पर अभीरा की। आखिर इतने दिनों से उसके पास एक भी रिश्ता नहीं था, परिवार के नाम पर कोई नहीं था, लेकिन अब एक एक करके उसकी लाइफ में सब लौटते जा रहे हैं जिससे वो प्यार कर सकती है, वो सब आ रहे हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर देव वो भी अब अभीरा को गले से लगा लेगा और यहाँ पर अब वो पूछेगी कि ये कौन है, जिसके बाद वो बताएंगे कि ये अभीर के पापा हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी अभीरा और इसके बाद अब जो मनीष है वो सारी स्टोरी बताने वाले हैं अभीरा को, जिसके बाद यहाँ पर अब जो अभीरा है वो भी अभिमन्यु को पापा कहते हुए नजर आने वाली है। यहाँ पर अब जो अभिमन्यु है वो काफी इमोशनल नजर आएगा, तो दूसरी तरफ रूही से ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि पहले ही वो अभीरा से बहुत ही ज्यादा नाराज है और जब से उसे पता चला है कि ये अक्षरा मासी की बेटी है वो तो उससे नफरत तक करने लग गई है। तो यहाँ पर अब जब वो अपने पोपी को देखेगी अभीरा के साथ तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा और वो कुछ भी कर गुजरेगी, लेकिन भाई अब अभीरा को पापा नहीं बोलने देगी वो अभिमन्यु को। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई आखिर ये सब होने वाला है किसी का सपना या फिर होगी हकीकत, ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। खैर आप हैं कितने एक्साइटेड हैं ट्विस्ट के लिए हमें जरूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।